बिहार में चुनाव का माहौल है, राजनीतिक खबरों से न्यूज चैनल भरे पड़े हैं, लेकिन इस बीच बिहार में जो सबसे बड़ी समस्या है वो कहीं ना कहीं छूट रही है। हर साल की तरह ही बिहार में इस साल भी बाढ़ का कहर रहा है और यह जारी है। बाढ़ के कारण लोगों को अपना घर छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जाना पड़ रहा है, वहीं कई जगहों पर नदियां खतरों के निशान से ऊपर बह रही हैं। ऐसे में बाढ़ का खतरा बिहार के कई जिलों में फिर से मंडराने लगा है। बात शिवहर जिले की कर लेते हैं। बिहार के इस सबसे छोटे जिले से बागमती नदी गुजरती है। इस नदी में हर साल बाढ़ का पानी आता है, जिसके कारण आसपास के इलाकों में हर साल बाढ़ का पानी भर जाता है। हाल के दिनों में हुई भारी बारिश ने एक बार फिर से बागमती के जल स्तर को बढ़ा दिया है, जिसके कारण शिवहर में बागमती नदी खतरे के निशान से 80 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। इससे जिले में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। यहां के शिवहर मोतिहारी स्टेट हाईवे 54 की कच्ची सड़क पर बाढ़ का पानी तेज बहाव में है, जिसके कारण लोगों को आवागमन में काफ़ी दिक्कत हो रही है। इस स्टेट हाईवे पर करीब 5 फीट पानी का बहाव हो रहा है। ऐसे में लोग अब नाव के सहारे शिवहर से मोतिहारी आ जा रहे हैं। वहीं बाढ़ का पानी बेलवा घाट के नज़दीक नरकटिया गांव के आसपास तेज बहाव में है, जिसके कारण गांव में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। आज स्थानीय बीडीओ और सीओ ने बाढ़ का जायजा लिया है। बताते चलें कि 2 दिनों में हुई भारी बारिश के कारण बागमती का जल स्तर बढ़ा है, जिसके कारण जिले में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है।